नमस्कार, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल बुक स्टेट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं BSc नर्सिंग ANM GNM एडमिशन्स के बारे में। ये वीडियो बनाने का मेरा मेनली मकसद है, जो बच्चे बंगाली स्टूडेंट्स जो हमारे असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय साइड से बिलोंग करते हैं, जो अपना कैरियर ही नर्सिंग और मेडिकल फील्ड में बनाना चाह रहे हैं, बट एक अफोर्डेबल रेट और एक बजट उनका एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक प्रिफर्ड कॉलेज जो आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, 25-year-old कॉलेज हम प्रोवाइड करेंगे आपको, एक अच्छे बजट में प्रोवाइड करेंगे, हॉस्टल, फूडिंग, एवरीथिंग जोड़ के एक अफोर्डेबल आपको बजट प्रोवाइड करेंगे, उसी में आपका एडमिशन कराएंगे। मेनली ये वीडियो मैं बंगाली स्टूडेंट के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये कॉलेज जो है वो आपके मेनली बंगाली स्टूडेंट्स ही एडमिशन्स लेते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो भी आपके बंगाली हैं, एंड यहाँ पर जो स्टाफ काम कर रहा है, 29+ स्टाफ जो है वो भी आपका मेनली बंगाली हैं, एंड यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 900+ स्टूडेंट्स आपके बंगाली स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लिए हुए हैं। तो जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये अभी से ही इन्फॉर्मेटिव लग रही हो। तो आज हम जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं वो कॉलेज है आपका दियाना नर्सिंग कॉलेज, जो कि आपका बेंगलोर में सिचुएटेड है, कर्नाटका स्टेट में बेंगलोर जैसी सिटी में है ये कॉलेज आपको मिलता है। ये कॉलेज आपका गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल और आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज है। इसकी अगर हम एफिलिएशन की बात करते हैं तो ये आपका एफिलिएटेड है KSBNEB या फिर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, यहाँ से ये कॉलेज आपका एफिलिएटेड है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये कॉलेज कौन कौन से कोर्सेज हमको प्रोवाइड कर रहा है, क्या हमको ये ANM भी प्रोवाइड कर रहा है, नर्सिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, GNM प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये कॉलेज हमारा आपका GNM प्रोवाइड कर रहा है और BSc नर्सिंग प्रोवाइड कर रहा है, बाकी आप MSc नर्सिंग भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और भी अदर कोर्सेज ये कॉलेज प्रोवाइड करता है। बट जो मेनली मकसद है हमारा इस वीडियो बनाने का वो आपका GNM और BSc नर्सिंग के लिए है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हम GNM करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा होना चाहिए, फुलफ़िल करना चाहिए। बच्चा आपका मिनिमम 40% होने चाहिए उसके 12th में, कोई भी साइड से हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, कोई इशू नहीं होता, आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम, GNM में हर कोई बच्चा एडमिशन ले सकता है, नो इशू। अगर हम BSc नर्सिंग की बात करते हैं, इसमें क्या है, इसमें जो बच्चा है उस वो 12th कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 45% के साथ, जिसमें PCB+ इंग्लिश आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए आपका विद 45% मार्क्स इन PCB। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात हो गई दियाना नर्सिंग कॉलेज के बारे में। जो कोई बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है वो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर हमें संपर्क कर सकता है, ये व्हाट्सएप करिए, कॉलिंग मैंने बंद रखी है क्योंकि हमारे पास बहुत सी कॉल्स आती हैं, कोई मतलब नहीं है उन कॉल्स का, बट कर रहे हैं लोग, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, काट देते हैं फ़ोन। भाई इन्फॉर्मेशन ही अगर आपको लेनी है तो मैं वीडियो तो आपको बना ही रहा हूँ, वीडियो में हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, सेम चीज़ आप मेरे को कॉल करके पूछते हैं तो वो कोई मतलब का नहीं है। इससे क्या है कि हमारे जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं जिनको एडमिशन लेना ही लेना है वो मिस हो जाते हैं उन कॉल्स के चक्कर में। तो आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, अपनी क्वारी रेज करिए, उसमें बताइए कि मुझे एडमिशन्स लेना है सर, जो भी प्रोसेस रहे वो मेरे को बताइए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू ख़त्म करते हैं या आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम मैं था कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया था इसमें। तो सबसे पहले और मैं अब आपको फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ कि ये कॉलेज मैं आपको क्यों लाया हूँ, कि मैंने आपको कहा कि अफोर्डेबल फ़ीस मैं आपको एक कॉलेज प्रोवाइड करूँगा, तो ये कॉलेज आपको मैं BSc नर्सिंग इस कॉलेज की मैं आपको 5 लाख के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूँगा। 5 लाख अगले 4 साल में आपको पे करना है, ठीक है। कंप्लीट पैकेज 5 लाख का है जिसमें आपको ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन एंड आपकी फूडिंग, हर चीज़, तीनों चीज़ इसमें मिल जाती है। एक्स्ट्रा एक्सपेंस सिर्फ आपको अपनी बुक्स का पे करना पड़ेगा और यूनिफॉर्म का पे करना पड़ेगा, वो आपका एक्स्ट्रा है, अलग है इससे। मात्र 5 लाख में आपको ये कॉलेज BSc नर्सिंग करवा रहा है विद आपको हॉस्टल और फूडिंग ये प्रोवाइड कर रहा है, दियाना नर्सिंग कॉलेज।
और हम अगर GNM की बात कर लेते हैं तो GNM भी आपको ये 3 साल का कोर्स होता है। ये कॉलेज जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो 3,45,000 में ये आपको कंप्लीट 3 साल में आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपको हॉस्टल, फूडिंग, ट्यूशन फीस सब चीज़ इसमें इंक्लूड है। जो चीज़ नहीं इंक्लूड है वो आपकी यूनिफॉर्म एंड बुक्स का एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना पड़ेगा, वो अदर है, अदर चार्जेस हैं आपके। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर में हमको कितना पे करना पड़ेगा, तो GNM में आपको फर्स्ट ईयर 1,60,000 पे करना पड़ेगा, और हम नर्सिंग की बात करते हैं, BSc नर्सिंग की बात करते हैं, तो इसमें आपको 1,80,000 फर्स्ट ईयर पे करना पड़ेगा। रिमेनिंग जो पेमेंट रहेगी वो आपकी स्प्लिट हो जाएगी थ्री ईयर्स में, और अगर GNM की बात करते हैं तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपकी स्प्लिट हो जाएगी रिमेनिंग पेमेंट्स। उसके लिए आप हमको नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ तो मैंने आपको इस वीडियो में बताई दी होगी, अब जो बचता है कि क्यों आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। इसमें मोस्टली जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आपके बंगाली स्टूडेंट हैं, ये फर्स्ट प्रेफरेंस आपको रखना चाहिए। सेकंड, जो यहाँ पर आपको फूडिंग मिलती है वो पूरी बंगाली फूडिंग मिलती है, जो खाना है वहाँ यहाँ का वो आपको बंगाली खाना यहाँ पर मिलेगा, तो ये भी आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होने वाला है। सेकंडली, यहाँ पर जो स्टाफ है वो भी आपका पूरा बंगाली स्टाफ है, 29+ बंगाली स्टाफ है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपके होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर चंदी दास मुखर्जी, ये भी आपके बंगाली डायरेक्टर हैं, आपको नाम से ही पता चल गया होगा। तो इतनी सारी प्लस चीज़ हैं आपके लिए। और अगर सेम इन्वायरमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, जो इन्वायरमेंट आपको वेस्ट बंगाल या आसाम में कोई भी कॉलेज आप लेते हैं लेकिन अफोर्डेबल नहीं है आपके रेंज में या उसमें एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो आप यहाँ पर आके ले सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं, हम पूरी सहायता करेंगे आपकी एडमिशन प्रोवाइड कराने में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। जो कोई बच्चा एडमिशन यहाँ लेना चाहता है तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर हमको व्हाट्सअप करिए, अपनी क्वेरी रेज करिए, हैंड टू हैंड एडमिशन प्रोवाइड करवा दूंगा। सेकेंडली, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस बार क्या हो रहा है कि नीट के थ्रू एडमिशन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, ये लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस कॉलेज में मैं डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड करा रहा हूं। इस कॉलेज, ये कॉलेज आपका डायरेक्ट एडमिशन ले रहा है विदाउट नीट, तो इसमें नीट का कोई इशू नहीं है। बट एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको 12th में अगर नर्सिंग ले रहे हैं तो 45% होने चाहिए 12th में PCB सब्जेक्ट्स में, और अगर GNM में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें आपका 40% मिनिमम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो। तो ये आपकी मैंने वीडियो में हर चीज़ क्लियर कर दी है। और अगर एडमिशन रिगार्डिंग अब भी कोई क्वायरी है तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सअप करिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो अलविदा लेना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।